Hello guys, welcome back to my channel Gagan's Plant Garden. As you know, my name is Gagan Virai. In this video, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को रनर से कैसे ग्रो किया जाए. So, come on, let's start. Friends, अब मई जून टाइम हो रहा है तो स्ट्रॉबेरी के पौधे में अब स्ट्रॉबेरी होने बंद हो जाते हैं और उसमें रनर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं. इन रनर्स की वजह से हम एक नया इंडिविजुअल पौधा उगा सकते हैं. ये जो मेरा स्ट्रॉबेरी का पौधा है इसमें भी अब बहुत सारे रनर्स आने लग चुके हैं. ये खूबसूरत से ग्रो हो रहा है. व्हाट आर रनर्स? कई लोगों को रनर्स के बारे में पता नहीं है कि आखिर रनर्स है क्या. देखिए, इस तरह से जो मदर प्लांट से नए नए शूट्स निकलते हैं और ये शूट्स ही एक नए इंडिविजुअल पौधे में ग्रो होते हैं. देखिए, इस तरह से हम इसे पॉट में लगा कर ग्रो कर सकते हैं एक नए इंडिविजुअल पौधे में. मेरे पास यहाँ पर मैंने कहा था ना कि बहुत सारे रनर्स हैं, करीब 3 से 4 रनर्स हैं. देखिए, एक ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वे वाला छोटा है अभी तक, और दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला है तीसरा. तो 3 रनर्स है हमारे पास. सो चलिए अब प्लांट करना स्टार्ट करते हैं. प्लांट करने के लिए हमें इस तरह का एक पॉट चाहिए जिसमें मैंने पॉटिंग मिक्स की तरह 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 50% फाइन सैंड डाला है. आप चाहे तो इसे कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं. मैं इस रनर से एक पौधा चूज़ करके ग्रो करूँगा. एक रनर में करीब 2 से 3 पौधे तो ज़रूर रुक जाते हैं. तो आपको अगर एक रनर मिले तो आपको करीब 2 पौधे तो ज़रूर मिलेंगे. देखिए, हम इस एक रनर को ग्रो करेंगे. ग्रो करने के लिए मैं सबसे पहले अपना पॉट को थोड़ा सा इस तरफ घुमा रहा हूँ और एक और मैंने यहाँ पर छोटा सा स्टैंडर्ड की तरह इस बॉक्स को यूज़ किया है. आपको इस तरह से रखना है. इसके लेवल पर, मतलब इस रनर के लेवल पर आपको अपना पॉट रखना होगा. इस तरह से रखने के बाद हमारा जो रनर है उसे धीरे से विद केयरफुल हैंड्स आपको थोड़ा सा बस उसे मिट्टी टच करना होगा. सिर्फ टच, थोड़ा सा मिट्टी में टच करना होगा. देखिए, बिल्कुल इस तरह से वो अपने आप रूट्स को डेवलप कर लेगा करीब 2 से 3 दिनों में. तो चलिए, अब हमने लगा दिया है हमारे पौधे को. 2 days लेटर फ्रेंड्स, अब 2 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट्स जो हैं फॉर्म हो चुका है. देखिए, ये नीचे तक जा चुका है ये रूट. इस तरह से हम 2 दिनों में ग्रो कर सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत से ग्रो हो जाता है हमारा पौधा. और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे और पौधे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये मैंने डे बाय डे की तरह ही ग्रो किया है. देखिए, एक ये वाला जो पौधा है 2 weeks ओल्डर का पौधा, सिर्फ और सिर्फ 2 weeks ओल्डर, और इसमें अच्छी तरह से लीव्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं. और एक और मेरे पास यहाँ पर पौधा है, ये 1 month और 1 week का ओल्डर पौधा है, यानी ये 5 weeks ओल्डर पौधा है. ये खूबसूरत से ग्रो रहा है. इम्पॉर्टेंट केयर पॉइंट, वैसे मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रॉबेरी को घर में उगाना बहुत ही आसान होता है, उसे भी हमें बट मेंटेन रखना होगा उनके अच्छे ग्रोथ के लिए. सबसे पहले इस तरह से जो उनके सूखे हुए पत्ते होते हैं हमें उन्हें निकाल देना होगा. आप देख रहे हैं, इस तरह से जो येलो कलर का पत्ता आपको नज़र आता है ना, आपको उसे भी निकालना है. देखिए, यहाँ पर एक है. इस तरह से हमें उन्हें निकाल के रखना होगा. आप चाहे तो इन जो पत्ते हैं इन्हें किसी और पौधे पर फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पत्तों में नाइट्रोजेनस कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं.
वो आपके बाकी पौधे को बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने में सहायता करते हैं। अगर क्या आपके भी स्ट्रॉबेरी के पौधे में इस तरह से एंट्स आ रहे हैं, तो मेरे पास इसका भी एक उपाय है। ये यूज्ड टी लीव्स है, इसे आप अगर अपने पौधे में डालें तो अपने पौधे में बिल्कुल भी चींटी नहीं आएंगे। मेक श्योर दैट योर सॉइल इज़ वेट एंड देन ऐड दिस टी लीव्स टू योर प्लांट। आप चाहे तो इसे अगर आप भी यूज़ किया है तो अभी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आपको अच्छी तरह से डालना होगा। तो अब वीडियो एंड करने का टाइम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।